वेलकम इन ब्राइट फ्यूचर नर्सिजम फ्रेंड्स आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एम्स पटना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यह क्वेश्चन पेपर आपके अपकमिंग एम्स पटना एग्जाम के लिए काफी नंबर फर्स्ट द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन बी वैक्सीन को एडमिनिस्टर करने का रूट क्या होता है ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन ए इंट्रामस्कुलर सबक्यूटेनियस इंट्राथिकल या इंट्राडर्मल तो इसका राइट right आंसर क्या होगा फ्रेंड्स जो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन दिया जाता है वो कहाँ दिया जाता है वो दिया जाता है मस्कुलर नाइन्टी डिग्री एंगल पे दिया जाता है सो ऑप्शन नंबर बी इज ए इज राइट आंसर मस्कुलर इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेकेंड द कॉन्स्टेंट प्रजेंस ऑफ डिजीज और इन्फेक्शन within अ given geographical एरिया इज कॉल्ड एक इन्फेक्शन जो कॉन्स्टेंट है और एक गिवन जियोग्राफिकल एरिया में है तो उसे हम क्या कहते हैं ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन ए स्प्रेडिक पैंडेमिक एंडेमिक या एपिडेमिक तो इसका राइट right आंसर क्या होगा फ्रेंड्स अगर कोई भी डिजीज एक गिवन जियोग्राफिकल एरिया में है तो हम उसे बोलते हैं एंडेमिक क्या बोलते हैं एंडेमिक ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर और स्प्रेडिक किसे बोलते हैं स्प्रेडिक डिजीज़ उसे बोलते हैं जब कोई भी केस हमें मिलता है कि कोई भी डिजीज़ का केस हमें सेपरेट टाइम पे और सेपरेट प्लेस पे मिलता है उसे हम बोलते हैं स्प्रेडिक और पेंडेमिक क्या बोलते हैं पेंडेमिक हम बोलते हैं कंट्री टू कंट्री अगर कोई भी हमें डिजीज़ मिलती है तो हम उसे बोलते हैं पेंडेमिक लाइक like कोविड नाइन्टीन एक लार्ज जियोग जियोग्रफिकल एरियाज में हमें कंट्री टू कंट्री देखने को मिल रहा है और एपिडेमिक किसे बोलते हैं एपिडेमिक बोलते हैं सडन आउटब्रेक ऑफ डिजीज एक्सेस ऑफ नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी जो हम नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी रख रहे थे उससे अचानक ही किसी डिजीज़ का सडन आउटब्रेक होता है तो उसे हम बोलते हैं एपिडेमिक तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा था फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में पूछा था गिव इन जियोग्राफिकल एरिया तो वो क्या होगा एंडेमिक सो ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री द डिनोमिनेटर यूज टू कैलकुलेट क्रूड बर्थ रेट क्रूड बर्थ रेट को कैलकुलेट करने के लिए डिनोमिनेटर में क्या यूज़ किया जाता है ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन ए स्कूल गोइंग पॉपुलेशन लिप बर्थ इन दैट ईयर मिड ईयर पॉपुलेशन इन दैट ईयर या फिर पॉपुलेशन एज एटीन ईयर और एवर तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स क्रूड बर्थ रेट को सॉल्व करने के लिए निकालने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं नंबर ऑफ डेथ इन ईयर नंबर ऑफ डेथ इन ईयर एंड डिनोमिनेटर में हम क्या रखते हैं मीडियर पॉपुलेशन रखते हैं क्या रखते हैं मीडियर पॉपुलेशन रखते हैं और मल्टीप्लाई बाई थाउजेंड तो न्यूमिनेटर में क्या था नंबर ऑफ डेथ इन डेट ईयर और डिनोमिनेटर में क्या है डिनोमिनेटर में है मीडियर पॉपुलेशन क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है डिनोमिनेटर में पूछा है तो इसका राइट आंसर क्या होगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर डिनोमिनेटर में रहता है मीडियर पॉपुलेशन इन दैट ईयर सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन वॉट वॉज द थीम ऑफ वर्ल्ड हेल्थ डे वर्ल्ड हेल्थ डे टू थाउजेंड नाइनटीन का जो थीम था वो क्या था जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको पहले भी बोला है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल रहने वाला है तो इस क्वेश्चन पेपर में जो थीम पूछा था वो 2019 का पूछा था वर्ल्ड हेल्थ डे का ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन ए द राइज बीट डायबिटीज ऑप्शन बी हेल्थी हेल्थ हार्ट बीट एंड हेल्थी ब्लड प्रेशर ऑप्शन सी फूड सेफ्टी या ऑप्शन डी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरी वन तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स जो 2019 में वर्ल्ड हेल्थ डे पर थीम था वो था यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरीवन एवरीवेयर ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव व्हाट इज द मिनिमम कॉन्टैक्ट टाइम रिक्वायर्ड फॉर क्लोरिनेशन ऑफ वाटर टू टेक प्लेस वाटर के क्लोरिनेशन के लिए मिनिमम कॉन्टैक्ट टाइम कितना होता है ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन ए टेन मिनट ऑप्शन बी नाइन्टी मिनट ऑप्शन सी सिक्सटी मिनट ऑप्शन डी थर्टी मिनट तो इसका राइट right आंसर क्या होगा फ्रेंड्स वाटर के क्लोरिनेशन के लिए मिनिमम कॉन्टेक्ट टाइम कितना होता है थर्टी मिनट ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स बिच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेक डाउन प्रोटीन तो इनमें से ऐसा कौन सा डाइजेस्टिव एंजाइम है जो गैस्ट्रिक जूस में मिलता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोटीन के ब्रेकडाउन के लिए ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन ए ट्रिप्सिन पैप्सिन पैप्टिडीस या काइमोट्रिप्सिन तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स ऐसा कौन सा एंजाइम है जो कि प्रोटीन ब्रेकडाउन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है पैप्सिन क्या है पैप्सिन ऑप्शन नंबर बीस राइट आंसर पैप्सिन क्या है पैप्सिन एक प्रोटीन लिटिक एंजाम एंजाइम है क्या है प्रोटीलिटिक एंजाइम है और प्रोटीन का ब्रेकडाउन कहाँ से स्टार्ट होता है या प्रोटीन का अगर डाइजेशन देखा जाए प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक से स्टार्ट होता है और कैप्सिन क्या है इसमें रिस्पॉन्सिबल होता है सो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन सेवन इमल्सिफिकेशन ऑफ लिपिड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन रिक्वायर्ड स्मॉल इंटेस्टाइन में इमल्सिफिकेशन ऑफ लिपिड के लिए क्या रिक्वायरमेंट है ऑप्शन है ऑप्शन ए गैस्ट्रिक लाइपेज पेप्सिन पेनक्रेटिक लाइपेज या बाइल साल तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स स्मॉल इंटेस्टाइन में इमल्सिफिकेशन ऑफ लिपिड के लिए बाइल साइट बाइल साल्स रिक्वायर्ड हैं बाइल साइल का होना नेसेसरी है सो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एट विच ऑफ़ द फॉलोइंग न्यूट्रियट्स प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी इनमें से ऐसा कौन सा न्यूट्रियट्स है जो कि बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन ए फैट ऑप्शन बी जिंक ऑप्शन सी वाइटामिन एप्शन डी वाइटामिन डी तो इसका राइट right आंसर क्या होगा फ्रेंड्स इनमें से ऐसा कौन सा न्यूट्रियट्स है जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है वो है फैट क्या है फैट ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ प्रीकर्सर ऑफ वाइटामिन ए वाइटामिन ए का प्रीकर्सर कौन है ऑप्शन से हमारे पास ऑप्शन ए पायोडॉक्सिन बीटा कैरोटीन, थमीन या रेटिनॉल। तो इसका राइट right आंसर क्या होगा फ्रेंड्स वाइटामिन ए का प्रीकर्सर कौन है बीटा कैरोटीन ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर बाकी जो पायोडॉक्सिन और थामिन है ये क्या है ये वाइटामिन बी है और रेटिनॉल क्या है रेटिनॉल जो है वो वाइटामिन ए का ही नेम है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टेन एन एवरेज हेल्थ पर्सन पर्सन विद नो डिजीज शूड आइडली ऑफ हिज और हर डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट फ्रॉम गेट हेल्दी फैट एक अगर एवरेज हेल्दी पर्सन को किसी भी डिजीज का नहीं हो जिसके अंदर कोई डिजीज ना हो उसे आइडली उसकी डाइट का कितना कैलोरी चाहिए फैट्स से ऑप्शन है हमें हमारे पास ऑप्शन ए फिफ्टी टू सिक्सटी परसेंट सेवेंटी टू एटी परसेंट ट्वेंटी टू थर्टी परसेंट या फिर फाइव टू टेन परसेंट तो फैट से एक हेल्दी पर्सन को कितना किलो कैलोरी चाहिए पर डे डेली रिक्वायरमेंट कितना रहता है उसके लिए तो इसका राइट आंसर होगा ट्वेंटी टू थर्टी परसेंट उसका डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट होता है हेल्दी फैट से नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एलेवन इन विच ऑर्गन डज द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन टेक प्लेस आयरन का एबजॉप्शन कौन से पार्ट में होता है ऑप्शन से हमारे पास ऑप्शन ए कॉलन ड्यूडिनम इन स्मॉल इंटेस्टाइन लिवर या स्टमक तो इसका राइट right आंसर क्या होगा फ्रेंड्स जो आयरन का एब्जॉपन होता है वो कहाँ पर होता है आयरन एबजॉर्प्शन होता है ड्यूडिनम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल इंटस्टाइन के ड्यूडिनम में आयरन का एब्जॉपशन होता है सो ऑप्शन नंबर बीस राइट आंसर और वाइटामिन बी ट्वेल्व का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है वाइटामिन बी ट्वेल्व का एब्जॉर्प्शन होता है टर्मिनल इलियम पे कहाँ होता है टर्मिनल इलियम पे क्या होता है वाइटामिन बी ट्वेल्व का एबजॉर्प्शन होता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व विटामिन बी वन इज ऑल्सो नोन एज वाइटामिन बी वन को क्या कहते हैं ऑप्शन से हमारे पास थाइमिन पायरेटॉक्सिन राइबोफ्लेविन या नियासिन तो इसका राइट right आंसर क्या होगा फ्रेंड्स वाइटामिन बी वन को बोलते हैं थायमिन ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर पायोडॉक्सिन किसे बोलते हैं पायोडॉक्सिन बोलते हैं विटामिन बी सिक्स को राइबोफ्लेविन क्या होता है राइबोफ्लेविन होता है विटामिन बी टू और नियासिन होता है विटामिन बी थ्री ये इस वाइटामस के नेम्स हैं और वाइटामिन बी बी वन को हम बोलते हैं थायमिन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टीन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेस एलिमेंट इज असेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन इंसुलिन के सिंथेसिस के लिए कौन सा ट्रेस एनिमल एलिमेंट असेंशियल है कौन सा ट्रेस एलिमेंट होना चाहिए इंसुलिन के सिंथेसिस के लिए ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन ए कोवाल्ट आयरन जिंक या सोडियम तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स इंसुलिन के सिंथेसिस के लिए ट्रेस एलिमेंट कौन सा होता है जिंक जिंक असेंशियल है सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन असेंशियल अमाइनो एसिड इनमें से ऐसा कौन सा है जो असेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं ऑप्शन से हमारे पास नियासिन थाइमिन पैरिडॉक्सिन या वैलिन तो इसका राइट right आंसर क्या होगा फ्रेंड्स यहाँ पे आपको इमेज दे रखी है असेंशियल अमाइनो एसिड और नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स की तो असेंशियल अमाइनो एसिड्स कौन सा है वेलिन क्या है वेलिन ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन कैलोरीज जनरेटेड पर ग्राम ऑफ फैट इज अप्रोक्सीमेटली एक ग्राम फैट से कितनी एनर्जी जनरेट होती है ऑप्शन से हमारे पास ऑप्शन ए फोर किलो कैलोरी ऑप्शन बी फिफ्टीन किलो कैलोरी ऑप्शन सी वन किलो कैलोरी या ऑप्शन डी नाइन किलो कैलोरीज तो इसका राइट right आंसर क्या होगा फ्रेंड्स वन ग्राम फैट से कितना कैलोरी होता आता है तो इसका राइट right आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वन ग्राम फैट से मिलता है नाइन किलो कैलोरी और वन ग्राम प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट से कितना मिलता है फोर किलो कैलोरी मिलता है तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है फैट के बारे में तो इसका राइट आंसर होगा नाइन किलो कैलोरीज ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एन प्रोटोन पम्प इनिविटर इनमें से ऐसी कौन सी ड्रग है जो प्रोटोन पम्प इनिविटर है ऑप्शन से हमारे पास रेंटिडिन फेमोटिडिन पेंटाप्रजोल या फिर सुक्रोफेट तो इसका राइट right आंसर क्या होगा फ्रेंड्स प्रोटॉन पंप इनहिबिटर कौन सा होता है पेंटा पेंटाप्रज़ोल ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर ये क्या है एक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है और ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर क्या करते हैं ये जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होते हैं वो जाके प्रोटॉन पंप को ब्लॉक कर देते हैं जिससे स्टमक की बोल्स से एचसीएल का सेक्रिशन नहीं होता है सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर और रेंटिडिन क्या है रेंटिडिन होता एंटासिड है ये क्या है एंटासिड एंटा एसिड क्या करते हैं जितना भी एच सी एल एसिड रिलीज हो चुका है उसे स्टमक के अंदर डाइल्यूट करने का काम करते हैं ये क्या करते हैं एंटा एसिड और प्रोटोन पम्प इनिविटर क्या करते हैं प्रोटोन पम्प इनिविटर उस स्टमक के प्रोटोन पम्प्स को ब्लॉक कर देते हैं जिससे एच सी एल सिक्रीट नहीं होता है इनविशन हो जाता है एच सी एल सिक्रीशन का सो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवनटीन डायबिटीज इंसिपिडस इज कॉज बाय द डेफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन जो डायबिटीज इंसिपिडस होता है वो कौन से हॉर्मोन की डेफिशियंसी की वजह से होता है ऑप्शन से हमारे पास ऑप्शन ए एंटी डायूरेटिक हॉर्मोन ग्लूकागोन इंसुलिन या रेनिन तो इसका राइट right आंसर क्या होगा फ्रेंड्स जो डायबिटीज इंसिपिडस होता है वो ए डी एच हॉर्मोन और बेसोप्रेसिन जो कि एडीएच का ही दूसरा नाम है एडीएच और बेसोप्रेसिन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है और ये कहाँ से सिक्रीट होता है ये सिक्रीट होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से किससे पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ये सिक्रीट होता है सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एटीन द नेम ऑफ सर्जरी इन विच देयर इज रिमूवल ऑफ़ ड्यूडिनम हेड ऑफ पेनक्रियाज गॉल ब्लेडर एंड बाइल डक्ट कॉल्ड अगर कोई सर्जरी हुई है किसी पर्सन की उसमें से ड्यूडिनम पेनक्रियाज का हेड गोल ब्लेडर और बाइल डक्ट को रिमूव कर दिया गया है तो इस सर्जरी को हम क्या नाम देंगे ऑप्शन है हमारे पास अपेंडक्टमी लंपक्टमी या फिर रिसक्टमी या फिर पेनक्रियटो ड्यूडिनक्टमी तो इसका राइट right आंसर क्या होगा फ्रेंड्स अगर किसी भी सर्जरी में ड्यूडिनम हेड ऑफ पेनक्रियाज ब्लैडर और, और बाइल डक्ट को रिमूव किया गया है तो हम इस सर्जरी को कहते हैं पेनक्रिया टो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नाइनटीन बेल्स पाल् इज अ डिसऑर्डर ऑफ क्रेनियल नर्व बेल्स पाल्से जो होता है वो कौन से क्रेनियल नर्व का डिसऑर्डर है ऑप्शन से हमारे पास थर्ड क्रेनियल नर्व सेवंथ क्रेनियल नर्व नाइन्थ क्रेनियल नर्व या फिर फिफ्थ क्रेनियल नर्व तो इसका राइट right आंसर क्या होगा फ्रेंड्स जो बेल्स पालसी है वो सेवंथ क्रेनियल नर्व का डिसऑर्डर है ऑप्शन नंबर बीस राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी इज जो थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी होती है उसका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या होता है ऑप्शन से हमारे पास ऑप्शन ए मेटाबॉलिक एवनॉर्मेलिटीज इंटरनल ब्लीडिंग कंपार्टमेंट सिंड्रोम या एक्यूट रीनल फेलियर तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स जो थ्रोमोलिटिक थ्योरी हैं ये क्या थेरेपी जो होती हैं, थ्रोमोलिटिक थेरेपीज ये क्या करती हैं ये ब्लड क्लॉट को डिजोल्व करने का काम करती हैं क्या करती हैं डिजोल्व द ब्लड क्लॉट और इसका साइड इफेक्ट क्या होता है मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है इंटरनल ब्लीडिंग ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन विच टाइप ऑफ सॉल्यूशन कॉज वाटर टू शिफ्ट फ्रॉम सेल इन टू द प्लाज्मा इनमें से ऐसा कौन सा सॉल्यूशन है जिसमें जो वाटर सेल से प्लाज्मा की तरफ शिफ्ट हो जाता है ऑप्शन से हमारे पास ऑप्शन ए एल्केलाइन ऑप्शन बी हाइपोटोनिक एसिडिक या हाइपरटोनिक तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा अगर कोई भी सेल से कोई भी जो प्लाज्मा की तरफ अगर जो वाटर है सेल्स के अंदर वो प्लाज्मा की तरफ अगर शिफ्ट हो रहा है तो इसमें क्या होता है सेल्स श्रिंक हो जाती है जब उसके अंदर से वाटर सारा प्लाज्मा में चला जाएगा तो श्रिंक हो जाती है और ये कौन सी सिचुएशन में देखने को मिलता है ये देखने को मिलता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में किसमें हाइपरटोनिक सोल्यूशन में ये सिचुएशन देखने को मिलती है जब सेल से सारा वाटर प्लाज्मा में शिफ्ट हो जाता है तो सेल श्रिंक हो जाती है सो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर क्योंकि इस क्वेश्चन में जो है वाटर शिफ्ट हो रहा है सेल से प्लाज्मा की तरफ और हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है जो वाटर है वो प्लाज्मा से सेल में शिफ्ट होने लगता है तो सेल और ज़्यादा स्वेलन हो जाती है तो इसमें क्या हो जाता है सेल्स स्वेलन हो जाती है क्योंकि प्लाज्मा से वाटर सेल में शिफ्ट होने लगता है और ये कौन से सॉल्यूशन में होता है ये होता है हाइपोटोनिक में और हमसे क्वेश्चन में में क्या पूछा गया है सेल से प्लाज्मा की तरफ सो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर जो कि हाइपोटोनिक देखने को मिलता है नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी एन इंडिविजुअल विद विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर इनमें से ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसे हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं ऑप्शन से है हमारे पास ऑप्शन ए ए नेगेटिव ऑप्शन बी बी पॉजिटिव ऑप्शन सी ए भी पॉजिटिव या ऑप्शन डी ओ नेगेटिव तो इसका राइट right आंसर क्या होगा फ्रेंड्स यूनिवर्सल डोनर हम किसे बोलते हैं ओ नेगेटिव को हम यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं सो ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर और ए बी पॉजिटिव को हम क्या बोलते हैं ए बी पॉजिटिव को हम यूनिवर्सल रिसीवर बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी थ्री द लॉस ऑफ यूरिन रिजल्टिंग फ्रॉम कॉग्नेटिव और एनवायरमेंटल फैक्टर इज मैनिफेस्टेशन ऑफ अगर यूरिन का लॉस किसी भी कॉग्नेटिव और एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से हो रहा है तो हम इस टर्म को क्या बोलेंगे ऑप्शन से हमारे पास ऑप्शन ए ओवर फ्लो इनकॉन्टिनेंस फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस अर्ज इनकॉन्टिनेंस या फिर रिफ्लेक्स इनकॉन्टिनेंस तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स अगर कोई भी यूरिन का लॉस कम्युनिटी और एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से हो रहा है तो हम उसे बोलते हैं फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस क्या बोलते हैं फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं इस फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस में क्या होता है ये जब होता है जब किसी पर्सन के अंदर फिजिकल डिसेबिलिटी हो या फिर कोई भी पर्सन अपनी थिंकिंग और कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम की वजह से वॉशरूम तक नहीं जा पाता है तो उसमें क्या देखने को मिलता है फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस देखने को मिलता है और ओवरफ्लो कॉन्टिनेंस किसे कहते हैं फ्रेंड्स ओवरफ्लो कॉन्टिनेंस होता है वेख्णा। वेख्ण। वेख्णा। जब अनएक्सपेक्टेड लीकेज होने लगता है यूरिन का जब ब्लैडर के अंदर यूरिन ओवर फिल्ड हो जाता है तो इसकी वजह से यूरिन स्मॉल अमाउंट में लीक होने लगता है तो हम उसे बोलते हैं ओवर फ्लो इनकॉन्टिनेंस और अर्ज इनकॉन्टिनेंस क्या होता है इनवॉल्ट्री लीकेज इनवॉल्ट्री लीकेज को हम क्या बोलते हैं इसे हम बोलते हैं अर्ज इनकॉन्टिनेंस और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है फ्रेंड्स हमसे क्वेश्चन में पूछा है कॉग्नेटिव और एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से अगर यूरिन लॉस हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस ऑप्शन नंबर बीस राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर असेसिंग द लेवल ऑफ कॉन्सियसनेस ऑफ अ पेशेंट यूजिंग ग्लासगो कोमा स्केल विच ऑफ द फॉलोइंग स्कोर रिप्रेजेंट बेस्ट मोटर रिस्पॉन्स फ्रॉम द पेशेंट जब हम जी सी एस स्केल यूज़ करते हैं तो बेस्ट मोटर रिस्पॉन्स पेशेंट का हम कब कंसीडर करेंगे यानी कि हमारे पास कितना स्कोर होना चाहिए ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन ए थ्री ऑप्शन बी फोर ऑप्शन सी फाइव या ऑप्शन डी सिक्स तो इसका राइट right आंसर क्या होगा फ्रेंड्स जीसीएस सी एस स्कूल में हम तीन चीज़ें यूज़ करते हैं तीन चीज़ों को हम बेसिस लेकर चलते हैं जिसमें आई ओपनिंग बर्वल रिस्पॉन्स और मोटर रिस्पॉन्स आता है और मैक्सिमम इसका स्कोर कितना होता है फोर आई रिस्पॉन्स का और बल्बर रिस्पॉन्स का स्कोर होता है मैक्सिमम फाइव और मोटर रिस्पॉन्स का मैक्सिमम स्कोर क्या होता है सिक्स अगर ये स्कोर है हमारे पेशेंट के पास तो हम कहेंगे इसके फुल्ली कॉन्शियस है पेशेंट और उसका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस फुल है सो so, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है बेस्ट मोटर रिस्पॉन्स तो बेस्ट मोटर रिस्पॉन्स कब होगा जब उसका स्कोर सिक्स होगा सो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव द लॉस ऑफ एबिलिटी टू रिकोगनाइज ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अगर किसी पर्सन के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को रिकोगनाइज करने की एबिलिटी नहीं है तो हम इस टर्म को क्या कहेंगे ऑप्शन से हमारे पास ऑप्शन ए डिसार्थ्रिया एलेक्सिया एटेक्सिया या एग्नोसिया तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को रिकोगनाइज करने की एबिलिटी लॉस हो चुकी है तो उस टर्म को हम बोलते हैं एग्नोसिया क्या बोलते हैं एग्नोसिया ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर एलेक्जिया किसे बोलते हैं फ्रेंड्स एलेक्जिया होता है इनएबिलिटी टू रीड रिटिन मटेरियल अगर कोई भी रिटिन मटेरियल लिखा हुआ है तो अगर कोई पर्सन उसे रीड नहीं करता है तो कर पा रहा है तो हम उसे क्या बोलते हैं एलेक्जिया बोलते हैं और डिसारथ्रिया किसे बोलते हैं डिसिया बोलते हैं स्लर्ड स्पीच को किसे बोलते हैं सिलर्ड स्पीच को हम क्या बोलते हैं डिसार्थ्रिया बोलते हैं और अटैक्सिया किसे बोलते हैं अटैक्सिया बोलते हैं हम इम्पेयर्ड कोऑर्डिनेशन अगर किसी पर्सन के अंदर इम्पेयर्ड कोऑर्डिनेशन हुआ है यानी कि उसके ब्रेन का और किसी भी हाथ पैर के मूवमेंट का कोऑर्डिनेशन ही नहीं है तो वो उसे बोलते हैं इम्पेयर्ड कोऑर्डिनेशन जिसे हम क्या टर्म देते हैं अटैक्सिया तो फ्रेंड्स ये थे हमारे क्वेश्चन आई होप ये क्वेश्चन आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं फ्रेंड्स अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे